बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एहतियात करें, मुख्तलिफ गाड़ियों के टकराने से शदीद ट्रैफिक जाम। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक रासुल खौर रोड से हत्ता की जानिब जाते हुए बहुत सी गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिस पर दुबई पुलिस की जानिब से शदीद ट्रैफिक जाम की तंबीह जारी की गई है। समाजी रातों की वेबसाइट ट्विटर पर जुमेरात को ट्वीट में पुलिस ने ड्राइवरों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत की है। याद रहे कि UAE के साइबर क्राइम कानून के मुताबिक हादसे के मकाम पर तस्वीर या वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने या पोस्ट करने पर आपको 1.5 लाख दिरहम से ज़ायद जुर्माना हो सकता है। UAE के कानून के मुताबिक ये एक कानूनी जुर्म है। इसके अलावा हादसे के मकाम पर हुजूम लगाने वाले अफराद को भी 1000 दिरहम जुर्माना किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नए तालीमी साल के आगाज के बाद शारजा में 3230 ट्रैफिक हादसात रिकॉर्ड किए गए। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही शारजा में 29 अगस्त से 9 सितंबर तक 3230 मामूली नौयत के हादसात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2 सितंबर को 317 हादसात रिपोर्ट हुए, जो कि किसी भी दिन होने वाले सबसे ज़्यादा हादसात थे। शारजा में मामूली नौयत के हादसात की मुश्तरका सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अमारात में यौमिया हादसात का तनासब 213 बनता है। ये रिपोर्ट शारजा पुलिस की जानिब से जनरल कमांड ने राफिद ऑटो मोटो सॉल्यूशन के इश्तराक से तैयार की है। ज़्यादा हादसात की वजह से अगली गाड़ी से मुनासिब फासला न रखना थी और ज़्यादातर हादसात दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रिपोर्ट हुए हैं। राफिद ऑटो मोटो सॉल्यूशन में एक्सीडेंट्स एंड RSA डिपार्टमेंट मैनेजर अब्दुलरहमान अल शमसी का कहना है कि हादसात की तादाद में इजाफे की एक वजह नए तालीमी साल के आगाज के साथ बड़ी तादाद में गाड़ियों और स्कूल बसेज का सड़कों पर आना है, जहां पर ड्राइवर्स की जानिब से जल्दी पहुंचने की तंगोदौ की वजह से सड़कों पर स्कूल के अतराफ में रश लग जाता है। इनका कहना था कि सितंबर में अब तक 2317 मामूली नौयत के ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें रवां साल किसी भी दिन होने वाले सबसे ज़्यादा हादसात भी शामिल हैं। ड्राइवर्स को लाजमी तौर पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी चाहिए ताकि वो अपनी और मुआशरे के दीगर अफराद की जान की हिफाजत को यकीनी बना सकें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हेयर ट्रीटमेंट के बहाने घर बुलाकर खातून के साथ ज्यादती करने वाले तारे के वतन को कैद की सजा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। कम कीमत पर हेयर ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक्स फराहम करने का धोखा देकर खातून को घर बुलाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने वाले तारे के वतन को 15 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक खातून जुमेरा लेक टावर्स में एक होटल में थी, जहां वो मदा अलह से मिली, जिसने खातून को बताया कि वो एक हेयर ड्रेसर है और उसे कम कीमत पर हेयर ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक फराहम कर सकता है। मदा अलह ने खातून के बाल देखे और उसे बताया कि इसके बाल ख़राब हो चुके हैं और वो उसे कम कीमत पर इलाज फराहम कर सकता है। खातून ने बताया कि मदा अलह ने उसे एक सैलून में 7000 दिरहम नौकरी दिलवाने का भी वादा किया। मुतासरा खातून ने मजीद बताया कि उसके बाद मदा अलह ने उसे कहा कि वो करीब वाके दूसरे टावर में उसके अपार्टमेंट में आए, जहां उसने खातून को कॉस्मेटिक्स दिखाने के बाद ज्यादती का निशाना बनाया। खातून ने बताया कि इसने मुझे मारने की धमकी दी और मुझे जिंसी अफेयर्स रखने का कहा। खातून ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि जब उसे जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था, वो मदद के लिए चिल्लाती रही। मदा अलह ने उसे तशद्दुद का भी निशाना बनाया, हत्ता के खातून ने मदा अलह की उंगली पर भी काट दिया और उसे नाखून मारे।
तब मद्दा अलह ने उसे कमरे से बाहर जाने दिया। वहां से निकलने के बाद मुतासरा खातून ने दुबई पुलिस को इतला कर दी। दुबई पुलिस के अफसर ने मद्दा अलह को गिरफ्तार कर लिया। ताहम मद्दा अलह ने मौकफ इख्तियार किया कि खातून पैसों के बदले में इसके साथ गई थी। ताहम टावर के चौकीदार ने बताया कि मैं दोनों को अपार्टमेंट में जाते देखा, लेकिन 2 घंटों के बाद खातून रोते हुए बाहर आई और उसने पुलिस को कॉल की। खातून ने मुझे बताया कि मद्दा अलह झूठ बोल रहा था। अलबर्शा पुलिस थाने में की जाने वाली तफ्तीश में मद्दा अलह ने मौकफ इख्तियार किया कि खातून उसके साथ ताल्लुक़ रखने पर राजी हुई थी, ताहम इसके पास रकम नहीं थी, लेकिन इसने खातून को कहा था कि वो रकम बाद में अदा कर देगा। ताहम अदालत ने मद्दा अलह को कैद की सजा सुनाते हुए मुल्क बद्री का हुक्म जारी कर दिया। अदालती फैसले के खिलाफ 15 दिन में अपील की जा सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुतहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के सिर्फ 564 केसेस रिपोर्ट, 1 हलाकत रिकॉर्ड हुई है। अब इस खबर की तफसील। तफसीलात के मुताबिक मुतहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और प्रिवेंशन की जानिब से जुमेरात को जारी करदा बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुमलिकत में कोरोना के मज़ीद 564 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सेहतियाब होने वालों की तादाद 650 रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत में कोरोना से सिर्फ 1 मौत रिकॉर्ड हुई है। बताया गया है कि मुमलिकत में अब तक किए जाने वाले PCR टेस्ट की तादाद 9 मिलियन से ज़्यादा है। आदाद व शुमार के मुताबिक 16 सितंबर बरोज जुमेरात तक मुमलिकत में रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेज की तादाद 731,307 तक पहुँच चुकी है, जबकि कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 722,723 है। अभी तक मुमलिकत में कोरोना से 2,069 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 6,515 है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।